से उठ गया। हेलो आ गया तो कॉल आई विल थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक गोवा फॉरवर्ड पार्टी विजय सरदेसाई डीजीपी आईजीपी देन दुर्गादास कामत इकोनॉमिक सेल पीआई एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फॉर हेल्पिंग अस दिस इज अ वेरी बिग डे फॉर अस एंड आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन बिकॉज वॉट एवर मिस्टेक ही डिड ही शुड गेट पनिश्ड सो दैट नेक्स्ट टाइम ही शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दिस थिंग्स विद द पुअर पीपल because this is the biggest mistake he did and now he's regretting. I'm very much thankful to them and very much thankful. Thank you so much, sir. Good morning. सभी को नमस्कार. आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जो इन लोगों ने भी हमारी इस बुरे टाइम में हेल्प की है उन सबको धन्यवाद देने के लिए. सबसे पहले मैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी उनके चेयरमैन मिस्टर विजय सरदेसाई सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. उसके बाद दुर्गादास कामत जी जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके और कल तक जब तक नूर अहमद अरेस्ट हुआ है पूरे केस को फॉलोअप किया है, हमें सपोर्ट किया है, FIR रजिस्टर कराने भी उन्होंने हमारी मदद की है. उसके बाद DGP सर, IGP सर और इकोनॉमिक सेल के जो PI सर हैं एंड हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सागर साहब, जिनकी वजह से वो कल्प्रिट को वहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे लेके आए. हम लोग अपनी होप पूरी तरह खो चुके थे लेकिन एटलीस्ट अभी हमारी होप है. अभी बस हमारी गवर्नमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि उसको मतलब जितना हार्श से हार्श पनिशमेंट हो सकता है उसे दें ताकि कोई दूसरा आदमी आगे ऐसा करने से पहले हजार बार सोचे किसी गरीब आदमी का पैसा लेके भागना. और हमारा जितना भी अमाउंट है हमारी यही दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कराया जाए. बस यही बोलना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. हम लोग उम्मीद लगा कि यहाँ पे सब लोग जमा हुए हैं कि हमारे पैसे हमें मिल जाना चाहिए. थोड़े लोग बोल रहे हैं कि इसको बेल मिल जाएगी, हाँ ऐसे बोल रहे. तो हम नहीं चाहते कि इसको बेल मिले या कुछ ऐसा कुछ हो जाए. इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसा ना कैसे करके जिस तरह नूर पकड़ा गया उसी तरह हमारे पैसे भी हमें मिल जाए. जब प्रोसिडिंग इतना म्हणतो की त्याच्या अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट एक्शन घेऊ पाहिजे पोलिसांनी डिले करू पाहिजे ना. तो बेगिनच्या बेगिन ते मॅटर कोर्टात वचून की ते जाता आमचे रिकवरी करून आमच्या पैसे मिळाल्यात तिथले आधार म्हणतो.